बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिन आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड में जदयू परिवार के प्रखंड अध्यक्ष अवधेश सिंह के नेतृत्व में बख्तियारपुर डाक बंगला प्रांगण में केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, जहां जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह, जदयू प्रखंड महासचिव प्रमोद कुमार, महिला प्रखंड अध्यक्ष ज्योति देवी, खुशबू देवी, निशा कुमारी सहित बख्तियारपुर नगर अध्यक्ष राजू कुमार, जदयू महादलित प्रकोष्ठ के अमलकांत राम, किसान प्रकोष्ठ के नेतागण और पूर्व प्रभारी बख्तियारपुर जदयू सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। केक काटने के बाद जब हमारे संवाददाता विशाल रंजन ने प्रखंड अध्यक्ष अवधेश सिंह से पूछा कि आज किस उपलक्ष्य में डाक बंगला प्रांगण में केक काटा जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं बख्तियारपुर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अवधेश सिंह सहित जदयू परिवार के सदस्य, देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जन्मदिन पर ये केक काटा जा रहा है बख्तियारपुर के जनता की ओर से और प्रखंड के जनता दल के कार्यकर्ता की ओर से। कितने लोगों पदाधिकारी शामिल हुए हैं जदयू में? मैं समझ रहा हूँ कि जो मेन मेन पदाधिकारी हैं सारे लोग हैं, युवा के हैं, आपके अति पिछड़ा के अध्यक्ष बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रामचंद्र जी हैं, प्रमोद जी हैं, आप ये जो है आपके सुनील जी हैं जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं पार्टी के और पिछड़ा के ये अध्यक्ष भी हैं, और साथ साथ अमलकांत जी जो हैं वो SCET के अध्यक्ष हैं और आपके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, तमाम लोग, पंकज जी हैं, राजकुमार राजू जी हैं जो युवा के नेता हैं बख्तियारपुर के, एक विशेष रूप से नेता हैं हमारे उमेश जी हैं वो भी हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रखंड के, ये तमाम पदाधिकारीगण आज हम लोग आपके समूह जी जो हैं वो हम लोग के बख्तियारपुर विधानसभा के प्रभारी हैं, अभी हैं नहीं लेकिन थे, इनको भी मैंने इनवाइट किया है कि बख्तियारपुर से इनको बहुत प्रेम लग है, इसलिए हर कार्यक्रम में ये बख्तियारपुर आ जाते हैं। आज हम लोग अन्य साल की भांति इस साल भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन बख्तियारपुर के डाक बंगला में मना रहे हैं और उनके पिताजी का यहाँ प्रतिमा लगी हुई है उनके सामने। हम लोग ने शराबबंदी पर जो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है वह एक सराहनीय काम है और बहुत सारे लोग जो जिसकी जीवन कठिन दौर में गुजर रहा था अब उनकी लाइफ बढ़ गई है, और माननीय मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की है कि जो शराब पिएगा पकड़ाएगा उसको जेल नहीं जाना है, बल्कि वो कहेगा कि हम फलाने आदमी के यहाँ से शराब लाए हैं और वो शराब वाला को बेचने वाला को पकड़ा जाएगा और उस आदमी को जेल नहीं भेजा जाएगा। इन्हीं तमाम बातों के लिए हम लोग आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं और आज उनका 71वां जन्मदिन दिवस है, उसमें हम लोग ये भगवान से कामना करते हैं कि आगे भी ये स्वस्थ रहें, देश के काम में लगे रहें, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूँगा कि इनको जो है भगवान और लंबी उम्र दे कि बिहार का और देश के काम कर सकें, और जो राष्ट्रपति की बात आई है उसके लिए हम लोग सभी खुशी जता रहे हैं। इसके पहले भी मैंने कहा था कि अगर देश के सर्वोच्च पद पर नीतीश कुमार हासिल में होते हैं तो बख्तियारपुर की जनता को इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। पूरा परिचय सर आप, अवधेश कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष जनता दल बख्तियारपुर। जब से मैं बख्तियारपुर विधानसभा का प्रभारी हुआ हूँ यहाँ के हमारे जो जितने जदयू के अधिकारी कार्यकर्ता उसे इतनी स्नेह और हमें दिए हैं कि एक छोटी सी छोटी कार्यक्रम में भी बुलाने पर मैं और तो मानिए हमारे सर्वोच्च नेता का जन्मदिन है। इनका जन्मदिन जो है एक विकास के रूप में हुआ है और जैसा अवधेश बाबू बोले मैं उनके हर शब्द को 100% समर्थन देते और कहते हैं कि जिस तरह आज बिहार विकास की ओर मैंने अग्रसर है अगर देश का बागडोर हमारे नेता नीतीश कुमार जी का मोला मिला तो देश भी एक अपने आप में एक विकास की लकीर लिखेंगे। पूरा परिचय सर, मैं शंभू नारायण सिंह, पूर्व बख्तियारपुर विधानसभा प्रभारी। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे? विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जो बख्तियारपुर के लाल हैं, इन्होंने जो कीर्ति किया है
पूरे बिहार के लिए और अब देश में अव्वल है और बड़े पोस्ट पर इस काम के चलते उनको पुरस्कार मिलने जा रहा है, राष्ट्रपति का पुरस्कार जो बनने जा रहा है। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बख्तियारपुर की तमाम जनता की ओर से मैं नीतीश कुमार जी का, जो हमारे आज बहुत तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। मैं पार्टी की ओर से और बिहार की जनता की ओर से उन्हें एक और बधाई देता हूँ, जो कि अभी राष्ट्रपति के लिए उनकी नामांकन फिर होती है। अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा गौरव की बात होगी और बिहार की जनता अपने हृदय से बहुत आकृष्ट होंगे कि हमारे देश की बागडोर सर्वोपति पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए और सेवा किए। जनता के लिए उनकी बहुत अवरिष्ट है। एक शब्द और हम कहना चाहेंगे कि वो जो समाज सुधारक अभियान चला रहे हैं उसमें उनका सबसे अव्वल और बिहार को सबसे आगे ले जाने की सोच है।